everybody, good afternoon and welcome to Indian Family Channel. So, अभी नहा कराने के बाद मुझे आज सुबह मैंने फर्स्ट मैंने उठकर आटा मेकर लगा दिया था, तो फर्स्ट वो सब हो गया है और मैं बिस्किट खा रही थी ये बार। तो पापा लेकर आए सीजन का फर्स्ट आम, तो बस मुझे आज आम रस और पूरी बनाना है। इसका तैयारी कर रही हूँ आम रस का, तो आज आम रस और पूरी पूरी ही बनाना है। यस अच्छा है ना, तो फर्स्ट इसे वॉश कर लेते, उसके बाद इसका जूस बनाएं। आम रस जूस नहीं, रस सुबह उठ कर ही मैंने लगा दिया था आटा, मतलब आटे का काम हो गया। सब दो दिन से 9:30 बजे लाइट चल जाती है, 10:15 बजे तक, तो उसके बाद लाइट आई, उसके बाद मैंने काम किया। और एक कल का वीडियो था जो मुझे आज अपलोड करना था, बारिश की जाए उसका मैंने हैशटैग लगाया है, टाइटल भी लगाया है, तो ये वाला व्लॉग आपको कल यानी कि फ्राइडे को मिलेगा इवनिंग को। आज ये थर्सडे, तो चलो लंच की तैयारी की जाए। मुझे लगा कि अभी बज रहा है, शायद 12:30 बज रहे होंगे, लेकिन अभी 1:30 बज गया है और मैंने सिर्फ आटा ही गूंथ के रखा है और अभी रस बना रही हूँ। सब्जी वब्जी आज कुछ नहीं बनेगा, सब्जी बनाने का टाइम नहीं है, चलिए सब्जी आ जाएगी। आम का सीजन आया नहीं है और हमारे घर पर आम का बारिश हो रहा है। पापा हर रोज आम लेकर आएंगे, 4-4, 5-5 केजी, एक केजी तो ठीक है, 4-5 ब्रेकफास्ट में भी आम, रात को भी आम, दोपहर को भी आम, आम आम ही खाया जाएगा। तो पीछे जो बकेट लगा है सॉरी बास्केट, उसमें कपड़े हैं, मुझे वॉश करने डालने हैं मशीन में। तो ये मेरे आम का रस बन गया है, अब इसे रखना है मुझे ठंडा होने के लिए फ्रिज में, तो इसे सेट कर दी हूँ और तब तक के लिए रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। रोटियाँ कभी कभी से यू ना ऐसे रुका नहीं जाता, इसलिए उसे मैं आम का पीसेस कर देती हूँ तो वो खा ले। फिर ये वाला अच्छा है, देख अब वो नीचे नहीं दिखेगा, टेंशन ना ले। फिर फोर्टी नाइन
42 43 तो ये कभी कहा हो गया 43 सेकंड में हो गया। चलो यू गो। तो जो है सो लंच करके चले गए और ये रहा हमारा खमन चटनी और आम रस। चलो यहाँ पर बैठ कर हमने कभी मैं और कभी लंच करेंगे और साथ में वॉच करेंगे जेठालाल तारक मेहता। इधर आ जा। तो मैं और कबीर खाएंगे लंच। आज कबीर को कल से हिचकी बहुत आ रही है, तेज हिचकी आ रही है। नहीं कबीर चलो। ये तो इसमें देखो ये खमन है, पात्रा, खांडवी, ये जैसे लेकर आते हो और अच्छा होता है ये। तो ये दो तीन दिन के लेकर ही आते हैं, दो तीन दिन में एक बार। तो बस उसके साथ ये चटनी है, मीठा मीठी चटनी है। तो बस इसे एंजॉय कर रहे हैं। सॉरी अभी इवनिंग हो रहा है। तो बस कबीर को ट्यूशन छोड़कर मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने स्किन पर लगा रही हूँ बेसन बेसन गर्ड और टर्मरिक हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पेक बनाकर। और ये वाला मेकअप ब्रश है बट मैंने इस पर ट्राई कर दिया, मैं मेकअप में यूज़ नहीं करती। तो बस इसे ही लगाने के लिए ट्राई कर। हाँ तो बस इसे 15 मिनट छोड़ देती हूँ, तब तक ड्राई हो जाएगा एकदम अच्छे से। ये देखो पैक ड्राई हो गया है। तो फिर से मैं वापस ये वाला पैक लगाकर इसमें थोड़ा सा हल्के हाथों से मसाज करूँगी तो स्किन को वॉश करने के बाद देखिए कितना अच्छा ग्लो आ रहा है ना, सच्ची बताइएगा। अभी थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ 5:30 बजे तक और थोड़ा सा इवनिंग का जो काम रहता है तो इवनिंग का काम है वो बाद में वो करूँगी। बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और इसी के साथ व्लॉग भी ख़त्म करने का टाइम हो गया है। सो गाइस चलिए आज यहीं तक का स्किन केयर का भी रूटीन था और मॉर्निंग का रूटीन था।
तो चलिए आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बाय, मैं कल मिलूँगी नए वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और रमज़ान महीना स्टार्ट हो गया है, सो रमज़ान मुबारक आप सबको। चलिए बाय।